Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. Cooking with Benazir, सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम, आज हम चाप फ्राई बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने 8 बड़े चाप ले लिए हैं। अच्छी तरह से हमने चाप को वॉश करके सुखा लिया है। वज़न से देखें तो ये तकरीबन 1 किलो चाप है। हमने 7 से 8 हरी मिर्चियाँ ले ली हैं, जिसे हमने बारीक सा क्रश कर लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर, थोड़ा नमक और 1/2 कप पानी। इन सारी चीज़ों को हम चाप में डालकर इसे अच्छी तरह से बॉईल करने वाले हैं। हम इसे प्रेशर कुकर का लिड बंद करके पकाने वाले हैं, जब तक कि चाप अच्छी तरह से गल जाती है। हमने इसमें बस थोड़ा सा पानी डाला है सेफ साइड के लिए, क्योंकि चाप का भी काफ़ी पानी छूटता है। हम इसे चाप के गलने तक पकने देंगे। हमने अच्छी तरह से चाप को गला लिया है, चाप बहुत अच्छी तरह गल गई है। इसमें थोड़ा सा पानी हमें नज़र आ रहा है, इसे हमें फ्लेम को ऑन करके हाई करके सुखा लेना है। हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। इसमें से सारा पानी सूख गया है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने 2 अंडे ले लिए हैं, हमें अंडों के सिर्फ वाइट पार्ट यूज़ करने हैं, इसका जो जर्दी है वो यूज़ नहीं करनी है। अगर हम पूरा अंडा यूज़ करेंगे तो जब फ्राई करेंगे तो ऑयल में बहुत फेस हो जाएगा, हम फेस नहीं चाहते, इसीलिए हम सिर्फ अंडे के वाइट्स यूज़ करेंगे। योक्स को हम अलग कर लेंगे। एक चुटकी नमक डालकर हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। चाप के पीसेस को हम पहले ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये पैंको ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने घर पर बनाए हैं। इसका लिंक हमारे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर इसे बनाएं। इस तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट करने के बाद हम इन्हें अंडे की सफ़ेदी में डिप करेंगे। हम अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। चाप का कलर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, हम अब इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल में बिल्कुल झाग नहीं हुआ है और हम आसानी से इन्हें फ्राई करके निकाल पा रहे हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।